और गुड मॉर्निंग सबको। आज है दूसरा दिन हमारा, दूसरा तो नहीं है था, मैं 7-8 दिन हो गया, मतलब अगला दिन। आज हमने दूसरे शहर जाने के लिए प्लान किया है, मतलब 70-80 किलोमीटर की ड्राइव है। और हमने कोई टूर बुक नहीं किया, हमने खुद एक कैब ली है, कैब नहीं कह सकते, रेंट अ कार, हाँ कार ली है एक रेंट पे, हम उससे जाएंगे। आज खुद एक्सप्लोर करके देखेंगे, गाड़ी चला के देखेंगे कैसा मज़ा आता है, क्या आता है, बाकी देखते हैं। गाड़ी तो मेरे ख्याल से मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे लाइसेंस पे मुझे नहीं मिला चलाने को। मेरा भाई जो है जर्मन रहता है, तो उसका जो लाइसेंस है और जो ड्राइविंग है वो सेम ही है यहाँ पे, वो चलाएगा। बाकी हम रास्ता देखेंगे आगे बैठ के, और क्या। अभी बज रहे हैं 11 और हम निकलने ही वाले हैं, और पूरे दिन के लिए हमारे पास गाड़ी है, तो हाँ रात को वापस आएंगे 11-12 बजे तक। एक्सप्लोर करके देखेंगे आगे सिटी में क्या है, ये तो सी एरिया रिजॉर्ट एरिया है, सब कुछ सिटी देख के आएंगे। सिटी का नाम था मेरे ख्याल से मानव घाट, साइड कहते हैं, साइड सिटी, अब वो देखने जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे, आपको मिलते हैं। तो भाई ये है हमारी गाड़ी, इस पर हम जाने वाले हैं, एंजॉय था पूरी। ये यार यहाँ पे गाड़ियों की कंडीशन बड़ी बेकार कर रखी होती है। डीजल ओनली, डीजल ओनली ना, ओके भाई। अंदर वाले डीजल रेट कितना आ रहा है इधर, डीजल बताएगा 39.19 लीरा में, या 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। अभी भैया डालेंगे, स्टार्ट करेंगे मशीन। कैसा लग रहा भाई वहीं चला के? बहुत अच्छा। अच्छा चलो भाई चले अब आगे देखे। ये भाई हम रास्ते में हैं, अभी जा रहे हैं, भाई गाड़ी चला रहा है, पापा साथ में बैठे हैं। हाय बोलो। हेलो। ये पीछे सब बैठे हैं हमारी फैमिली पूरी। कैसा लग रहा पीछे? हाँ भाई मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा, सही लग रहा है, मजा आ रहा है। चलो अभी रास्ते का सिनेमैटिक देखो, तो हम गाने सुनते हैं। तो भाई हम आ गए, अब जा रहे हैं हम जरा मॉल घूमने, अभी धूप है, अंदर जाएंगे मॉल वॉल देखेंगे कैसा है, यहाँ पे छोटा सा है, कुछ खाना पीना करेंगे फिर देखते हैं। भाई ये हम आए हैं विलेज की सुपरमार्केट, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना बहुत सस्ती सस्ती सारी चीज़ें हैं, वैरायटी अलग अलग टाइप की। ये लीरा में है, इतनी बड़ी चीज़ ये लीरा में, वहाँ पर 800-900 होती है, यहाँ पर 225 है। गाँव वाले इलाके में सस्ता है सब कुछ, शहरों में ही महंगा है, टूरिस्ट एरिया में। भाई फुल मार्केट है ये, एकदम हर चीज़ है यहाँ पे, नीचे से ऊपर आया हूँ, क्रॉकरी वगैरह भी है, हार्डवेयर का सामान भी था,
जैसे सुपरमार्केट होता है अमेरिका वगैरह, ये देखो टीवी यूनिट, वो हर चीज एक ही जगह नहीं मिलती, सेम वही जगह ये डेस्क वगैरह, अरे गेमिंग चेयर, ये है 3,890 लीरा इंटू 4 कर लो, बाकी तो बढ़िया है 15,000-16,000 रुपए की ये चेयर, गेमिंग चेयर, पीसी कैबिनेट्स। आ गए भाई वापस हम, ये हमने सुपरमार्केट से सामान इकट्ठा कर लिया और मैंने केबल तार लिया है गाड़ी में चार्जिंग के लिए, अरे डिक्की बंद करते हैं। ओ भाई अभी है, ओ भाई बहुत अभी है, वॉक्सवैगन की है यार। भाई अभी हमने किया था यहाँ पे रेस्ट, अब हम जा रहे हैं अंदर, गिरी मेरी बहन भी है, हम सब अंदर जा रहे हैं। एक मिनट कॉलर सीधा कर लें, बैग वैग पहन लिया। आह यार मेरे को बार बार ना कैमरा भूल जाता हूँ मैं, यहाँ है मुझे यहाँ देखना है, मैं बार बार इधर देखता हूँ बटन की तरफ। रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई नहीं रहा, चलो मैं पीछे का दिखाता हूँ तुम्हें, देखो जरा ये भाई एंट्री है मानव घाट पथ, क्या है सलालेसी, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वीक है, कोई बात नहीं, यहाँ के इंग्लिश भी वीक हो गई है मेरी, ग्रामर की तो ऐसी तैसी हो गई। हम अंदर आ गए, जा रहे हैं, ये देखो ये बंदा बुला रहा है पता नहीं क्यों, पागल। पार्किंग वगैरह यहाँ पे होती है और सामने भी होती है, बहुत जगह लगा सकते हैं, बच्चे बच्चे को लेके घूमने आते हैं सब लोग। वाटरफॉल रेस्टोरेंट, चलो ढूंढते हैं कहाँ है। ये व्यू है भाई सारा बाहर का, गाड़ी ऐसे लगा के आओ अंदर, पूरी लेक है, बैठो। अभी थोड़ी वीआर राइड करी, मजा आया। के भाई यहाँ पे लोग आ सकते हैं, यहाँ से ये रास्ता है इनका, ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह, पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट होता था बंद हो गया, खैर बाकी यहाँ अलग सारी चीजें है झरने के किनारे। गाइस ये हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, और बंदे आ गए सामने, सॉरी, ये फवारा भी है और ये है वाटरफॉल, क्या वाटरफॉल, छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन हाँ अच्छा है देखने के लिए। ये है भाई वाटरफॉल आपका मानव घाट का, एक आधा सिनेमैटिक बनाता हूँ, एंजॉय करो तब तक मैं आया। बंदा अपने हाथों से बनाता है ये चीज़, ये देखो लेकिन ये बात है भाई, इस घोड़े को बोली हो गया, ये खड़े ही रह गए। अरे यार ये बंदा है, ये बंदा है घोड़े की बात करने वाला, ये है भाई
यहाँ से जब तुम अंदर आओगे बिल्कुल सामने से ये है क्राफ्ट है, हर चीज है। खुश भाई, बहुत खुश भाई। ओके चलो अब भाई हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं जीडे, एंटिक सिटी। एंटिक सिटी, ये जीडे कहते हैं जर्मन में, हम साइड सिटी कहते हैं, SIDE, इनके लिए ZIDE हो जाता है। बाकी हम सब जा रहे हैं, अभी एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको और भी दिखाते हैं। तो भाई ऊँट हमें मिले हैं, कह रहे हैं राइड वाइड करनी हो तो कर सकते हो 10 यूरो में, 10-15 मिनट के लिए 10 यूरो। भाई साहब लेट्स गो। देखने जा रहे हैं क्या है डिक्सिटी। आयो तुम आयो ऐसा ना आगे बैठ के मजा आया। ये पता नहीं क्या सर्विस गेट, ये सारे बोर्ड लिखे हैं, बैनर लिखे हैं, पढ़ो। ये सब है अंदर, पॉज करके देख लेना। ये भी फोटो खींच रहे हैं और ये थी हमारी राइड क्लासिक ट्रेन टाइप।
भाई ये टोयोटा हाइलक्स इंडिया में आप जाके आइए और ये पुलिस को दे रखिए यहाँ पे। भाई ये आ गए हम मार्केट में, सारी मार्केट है और अभी हम नीचे जा रहे हैं एंटीक सिटी देखने, बीच के पास बिल्कुल समुंदर के पास है एंटीक सिटी, सब लोग हैं साथ में, बाकी नीचे जाके देखते हैं। चलो आगे का दिखाऊँ आपको सीन, मार्केट है यार छोटी सी मार्केट बनी हुई है सारी और नीचे जाके एंटीक सिटी है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई गली टाइप है पूरी, यहाँ से नीचे उतरो सामने पूरी मार्केट लाइन से लगी हुई है शॉप्स, ये बिल्कुल एंड पे बीच बढ़िया है भाई। ये सीन यहाँ पे मतलब विलेज है, विलेज के जो घर होते थे ना जैसे पुराने घर होते थे, एक पुराने विलेज वगैरह हमने इंग्लिश मूवीज में देखे हो वैसे ही है, या एनिमे वगैरह देखते हैं ऐसे ही होते हैं खिड़की वाले उनके वो गेस्ट हाउस वगैरह, नीचे पूरी शॉप्स बना दी एंटीक सिटी को ही मॉडर्न लुक दिया, मतलब तो नॉस्टैल्जिक फील तो आता है यार ये देख के। देखो ये हम जापानीज एनिमे वगैरह देखते हैं जिसमें वो मैजिकल वर्ल्ड में जाते हैं वो सब होता है, ऐसे ही होता है भाई। ऊपर नीचे गिल्ड की एंट्री होती है, ऊपर जाके रूम्स होते हैं डॉर्म्स होते हैं, नीचे शॉप्स बना दिए इन्होंने, ये पूरा पीछे का एरिया। क्लासिक है भाई क्लासिक, बढ़िया जगह है। और आगे जाके दिखाता हूँ, ये तो भाई सिनेमैटिक देखो इसका, एक सब छोड़ो। भाई ये आ गए हम समुद्री तट पर, हैशटैग बीच, बीच नहीं है ये पूरा बे ही है एक तरह से, जहाँ पे बिल्कुल एंड होता है शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं वो, देखो वो बिल्कुल एग्जिट बना हुआ है इधर से बीच में एक गेट बना हुआ है, यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर जाते हैं समुंदर के पास, ये शिप्स वगैरह वाला एरिया है। बाकी समुंदर तो हमने देख ही लिया है, इसमें क्या ही दिखाऊँ आपको नया क्या है, बस ये है यहाँ पे थोड़ा कचरा वचरा फैला दिया, ये देखो यार मतलब क्यों। बाकी ये यहाँ से एग्जिट है बाहर निकलने का, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सीधा खुले समुद्र में ओशन में। भाई ये आ गए हम एंटीक सिटी की थोड़ी सी हाइट पे, ये बना हुआ है पुराने पिलर्स जो थे और रेनोवेशन चल रही है, ये लिखा है कुछ मुझे नहीं पता इसका मतलब, बस बन रहा है। और यहाँ से एंड होता है सीधा समुंदर है, थोड़ी देर बैठू मैं नज़ारे लूँगा सनसेट के, तो देखो तब बढ़िया हो रहा है, फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा। अब तो एक सिनेमैटिक भी बनाने की कोशिश करूँगा अगर कोई अच्छी बोट वगैरह मिली तो, पर महंगा बताते नहीं यहाँ सब यार, तो पता है टूरिस्ट एरिया है रेट ठोक के बोल दो, अभी देखते हैं। गाइज ये हम आ गए अब शहर के अंदर रात को,
वही मानव घाट के पास का शहर है और ये व्यू है। यहाँ बोट राइड वगैरह इंडिया गेट की जैसे होती है सेम थिंग्स, छोटी सी नहर है और यहाँ पे बोट राइड वगैरह भी होती है। और ये ब्रिज है लोहे का, येलो कलर का, मस्त था, अच्छा नज़ारा सब कुछ नाइस दिख रहा है वहाँ से। ये देखो अंधेरा है तो दिख नहीं रहा होगा, बाकी यही है लोग वोग बैठे हैं सब। तो कहाँ सब हो गई रात, खाना पीना सब कुछ हो गया हमारा, अब निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। डिनर वगैरह कर लिया, जितना घूमना था अब घूम लिया, अब घर जाएंगे रेस्ट करेंगे, घर तो नहीं होटल जाएंगे रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कल क्या करेंगे। कल तो मेरे ख्याल से पूरा दिन आराम करेंगे, दो दिन लगातार घूमे हैं, आगे बताते हैं नई अपडेट आएगी। कल वॉक कब बना रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, कल में देखते हैं कोई टूर बुक करेंगे या प्लान बनाएंगे। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर अगले ब्लॉग, सी यू टिल देन।